श्री चक्रधर स्वामी की जय। परमेश्वर अव्यक्त, अव्यक्त परमेश्वर, वीडियो नंबर 4 देखते हैं जी। सूत्र टोटल 14 है, उसमें से हमने 6 किए, अब 8 सूत्र हैं बाकी के। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, वो कैसे हैं थोड़ा सा उनके बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर सेव्यो, जीव सेवक क्या है वो कहते हैं। परमेश्वर अनाथों के नाथ हैं, कृपालु हैं, आर्तदानी हैं, तो उसके लिए फिर क्या है, कहते हैं परमेश्वर सेव्य, सेवा करवाने वाले हैं, और जीव सेवा करने वाला है। जीव ने सेवक भाव से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, तो परमेश्वर की कृपा बरसेगी। महात्मा साढ़े अंदर तो आरती नहीं पैदा होती, ये कोई बात चल रही है, टॉपिक वही चल रहा है। देखो बात, आर्त पैदा नहीं हो तो क्या करें। कहते हैं दासो हम ना पूरे नायका, मेरे अंदर मैं सेवक हूं, आप मालिक हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए ईश्वर की। ये भाव भी जब रहेगा कायम तो भी परमेश्वर की कृपा हो जाएगी। भगवान हमारे सेवक नहीं है, हम भगवान के सेवक। भगवान किसी ना लेना करी, भगवान तो काम नहीं करता मेरे, महाराज ये काम कर दियो, मैं तड़ाए कर देंगी। तुसी मेरा काम करो, मैं थोड़ा काम कर दे, आ कर देंगे, मैं 200 रुपया दे दांगे, 100 रुपया दे दांगे, 500 एक रुपया दे दांगे। रिश्वत नहीं है, कंपनसेशन उसके उसके बदले में आ मेरा काम करो, मैं कहता तू आ साठ झाड़ू मार जा, 50 रुपये दे दांगे तेन, ना जो भी करते हैं थोड़ा उसके लिए मांगते हैं। कहता हूँ मैं आपको, हम करते क्या है, जैसे हमारे घर में शाम को मेड आती है, स्पेशली आती जब पोथी होती है, तो उसको एक्स्ट्रा जैसे बर्तन आ गए, फंक्शन होता है, 50 हम उसको 50 रुपए देते हैं ना, चल तो एक काम करते मजा आ जाते। हम कहते हैं भगवान मेरा काम कर दो, आपको मैं 1,000 रुपया, 5,000, 2,000, 4,000, 11,000, ब्ला 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 ब्ला, मन्नत बोलो, नहीं मन्नत वन्नत कोई नहीं होती, मन्नत अलग चीज है, काम पूरा करवाना, मेरा काम कर दे, मैं तनवा कर देंगे, फिर भूल जाते लोग अपने घर देखा आके। नहीं, ये होता है, हमने उसको बना लिया सेवक या बिजनेस कर लिया, गिव एंड टेक हो गया, ठीक है ना, ये होगी अलग चीज। हम लोग यही करते हैं, महाराज मेरा काम करा दो, मैं तनु की बुला बुला, जो भी सोचो कह दो, 1100 दे देंगे, 2100 दे देंगे, अरे उसमें व्यापार कर लिया, हाँ व्यापार कर लिया, उन्होंने आपका काम कर दिया, कहानी खत्म हो गई। एक लड़का आया मेरे पास, कहता मेरी मम्मी ने 20 साल हो गए भगवान का नाम लिया, मम्मी को क्या दिया भगवान ने, चक्कर स्वामी ने, कहता कोई ईश्वर ईश्वर नहीं होते भगवान, कोई नहीं, सब फ्रॉड है महात्मा लोगों के, पंडितों के। मैं कहा अच्छा सही गल है, माँ अखा अथरू कटे, मैं कहा कोई नहीं बह जा काका। वो लड़का साल हो गया, उसने पक्की तरह भगवान का नाम लेता दत्तात्रेय महाराज का सुबह शाम, कहता कोई भगवान को नहीं होते, सब फ्रॉड है, झूठ है, किसने देखा भगवान को, ईश्वर को भगवान बोलता है, स्पष्ट बोलते हैं, मैं कोई नहीं, मैं कोई नहीं आ रहा। कहता 20 साल अगर मम्मी ने इतना पूजा पाठ किया, क्या मिला मम्मी को आज तक, मैं तनु की तनु की पता है की मिला की नहीं मिला। वो कहता ये हम दुखी हैं, फलाना है ढिमकाना है, ये है वो, हमारा ये हो गया, फलाना हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बच्चों को समझ नहीं आती ना, वो तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हाँ हमारे पास 2 कोठियां हैं, 4 गाड़ियां, तो भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब ये 2-4 कोठियां, 2 फ्लैट और 2 प्लाट और 4 गड्डियां ना, तो वो सब कुछ दिया भगवान ने, ना दिया हो तो भगवान नहीं, भगवान नहीं है। मेरा बेटा तो इस बात को कहता है, जब से मंदिर में जाने लगे हो, कितनी कितनी घड़ियां खरीद ली है, वो तो मारता है इस बात को। बात समझो करो कहानी को, अब आते हैं वापस। एक्चुअल में यहाँ पे महाराज कहना चाहते हैं कि मैं सेवामी हूँ, आप सेवक हो। हम उल्टा काम करते हैं, हम व्यापारी बन जाते हैं। सेवक जो होता है ना, वो सैलरी के लिए काम नहीं करता,
सैलरी के लिए सेवा नहीं करता। मैं कल मतलब बता रहा था उनको काम और सेवा में क्या फर्क होता है, बताया था उसको बातें आपको। काम हम करते हैं पैसे के लिए या उसके बदले में कुछ लेने के लिए, सेवा हम बदले में कुछ लेने के लिए नहीं करते, हम दास्य भाव से करते, सेवक भाव से करते हैं। ये डिफरेंस है। नहीं कामकरण आ जाए, आप काम पे नहीं गए। हम लोगों से पूछते आप क्या काम करते हो, मतलब आप काम करते हो तो पैसे कमाने के लिए करते हो। हम लोगों से ये नहीं पूछते आप सेवा करते हो क्या। हम नौकरी बिजनेस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं पैसे के लिए, मोटी मोटी बात पैसे के लिए। पैसे से फिर हम अपना गुजारा करते हैं, खर्चे करते हैं। बार्टर सिस्टम नहीं है ना आजकल, आजकल मनी सिस्टम हो गया। जब सेवा की जाती है उसमें आप रिटर्न में पैसे नहीं लेते, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहाँ ईश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जीव क्या करना चाहिए, सेवा भाव, कर्तव्य समझते हैं, सेवा भाव, सेवक। और परमेश्वर सेवे है, वहां कोई ये नहीं होगा कि आप मुझे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, मैं आपका झाड़ू मार दूंगा या रोटी खिला दूंगा, ऐसा भाव नहीं, नहीं होता। ये डिफरेंस समझ लेना आप, काम करना और सेवा करने में। मेरा एक काम कर दे, ठीक है, मेरे पास आते हैं कि मैं कहता हूँ भैया मेरा काम कर दे, तो मैं कहता हूँ पैसे लेके जा मेरा काम कर दे। तुम कहते हैं भगत जी कुछ सेवा करो, फिर वहां पे थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं, यार महात्मा कहना पैसे भी सानू देने पैने, हर काम ही कहते रहते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग कहते हैं जी महात्मा लोग काम ही कहते रहते हैं। वो बड़ा मैंने ध्यान से सोचा ये फर्क क्या है। वो कहते हैं भगत जी कुछ सेवा करोगे आप। ऐसे लोग भी हैं वो कहते हैं दादा आप सेवा बताओ हमारे को, महात्मा जी सेवा बताओ हमारे को। एक कहते ने महात्मा हमेशा काम ही कहते रहते हैं, आ ले आ दो, आ ले आ दो, आ ले आ दो। मैंने चीज़ ना शुरू में समझ ली थी बहुत साल पहले, तब से मैं करता क्या हूँ, मैं पहले देख लेता हूँ ये बंदा काम कर रहा है सेवा कर रहा है। जब तो वो करता काम तो मैं कहता हूँ भैया पैसे पकड़ा अपने, वो कहता नहीं तो मैं कहता हूँ डाल संकल्प। फिर दादा जी कौड़े बड़े है जो भैया मैं तुम्हें सच्चाई गल कर रहा, मैं तेरा नुकसान क्यों करावा, तो मैं अपना नुकसान क्यों करा, मेरी वजह ना तू तो हट जाए कि मंदिरां जाते महात्मा लोग मांगते ही रहते हैं हमेशा। बड़े केसेस आए मेरे पास, बहुत केसेस आए मेरे पास। जब मैं आया ना तो मैंने बड़ा देखा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, तो मेरे को तो बात समझ आई काम और सेवा में क्या फर्क है। सेवा अपने आप अंदर से करता है बात, काम क्या के करवाया जाता है। वो कैसे मुझे समझ आया, घर में मेड जाती है ना, नहीं तो काम कर महात्मा जी काम करवाना पैंदा है। मैं कहा काम करवाना पैंदा है, मंदिर में भी काम करवाना पड़ता है। वो महात्मा जी असी फंक्शन होते तो 200 रुपये मेड नूं दिंदे ते काम करवाने आ। अरे की कहानी हुई, मंदिर में तो सेवा होती है। मैंने बड़ा मत्था मारी कि बाद में मुझे मतलब समझ आया इस चीज़ का अपने आप ही, कि काम में और सेवा में भगत जी क्या काम करते हो। फिर मैंने समझ आई हो ये काम मतलब पैसे के लिए किया जाता है, सेवा पैसे के लिए नहीं की जाती। तो महाराज क्या कह रहे हैं, परमेश्वर सेवे हो, यहाँ पैसा नहीं आएगा बीच में। हाँ जी संविधान में अवतार सामने होते हैं, तो हम सेवा करते। हाँ जी अब हम असंविधान। हाँ जी तो हम आपने एक बात बताया था जैसे कुछ भी काम करो खाना बनाओ तो मैं आपकी सेवा है ना, पर वैसे सेवक क्या होना चाहिए जी, सेवक। अब बताता हूँ आपको, बता देता हूँ मैं। अब ईश्वर का उदाहरण का जी और ईश्वर के उदाहरण का उद्धार का कार्य चल रहा है, चल रहा है ना, उसमें क्या क्या चीजें सहायक है। ईश्वर की सृष्टि बनाई हुई है उसमें परमेश्वर उद्धरिता है, हम आएंगे पढ़ेंगे अभी। उस उदाहरण के कार्य में आप क्या सहयोग कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, एक। फिर नहीं कर सकते, मान लो किताबें छापनी है, जैसे कि बाई जी ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे आके क्या करना है। बाईसा माता क्या करती थी, वो झाड़ू मार, कपड़े डाल, बिस्तरे धो, रोटी बना, यही सेवा है ना, यही आश्रम मार्गों में या मंदिरों में या जहां पर साधु महात्मा बाइया वासनिक नामदार इकट्ठे होते हैं वहां पे
और उसके बाद ईश्वर के स्थान है, किसके स्थान है? परमेश्वर के स्थान है अवतारों के, उनकी सेवा यानी छत बनानी, रंग करना, फर्श डलवाने, ये सब सेवा हो गई। फिर ईश्वर के मंदिर है, दो चीजें हो गई। फिर ईश्वर के जहां कार्यक्रम होते हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई सेवा, परमेश्वर के उद्धरण व्यापार के अंदर जो भी आप सहयोग सहायता कर सकते हो वो सेवा मानी जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, परमेश्वर के जीवोद्धरण के व्यापार में, कार्य में जो आपका सहयोग सेवा हो सकती है उसे असन्निधान में या सन्निधान में सेवा माना जाएगा। और खास सामने अवतार हो तो उसका खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े वस्त्र, टोपी शोपी, कपड़े धोना, वो ख्याल रखना, शारीरिक अंग लग, वो भी सेवा में माना जाएगा। दो चीजें हैं। अब ईश्वर के जो साधना कर रहे हैं उन्हें बिजनेस करने के लिए मना किया गया, पैसा कमाने के लिए मना किया गया, तो वो क्यों मना किया गया? कि जो बाकी के जीव है वो सेवा कैसे करेंगे, फिर उनको घड़ेगा कैसे, क्रिया कैसे बढ़ेगी उनकी आगे? ये उसके पीछे लॉजिक कंसेप्ट है। भिक्षा के जो पद पढ़ते हैं उसमें लिखा जाता है कि सामने वाले को क्रिया कैसे घड़ेगी। अब मैंने बोला अन्नदान करो, अब हम भिक्षा मांगने चले गए तो अन्नदान अपने आप ही घड़ गया। फिर हमें जाने की जरूरत थोड़ी है मार्गों में, आप अन्नदान करो या ईश्वर धर्म में अन्नदान करो। बात समझ आ रही है आपको? अब वो भिक्षा वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, पैदल पैदल घरों में जाने वाला, अब उल्टा हो गया कि आप घर से रोटियां बना के लाते हो या पैसे भेज के अन्न देते हो। अब कंसेप्ट उल्टा होने की वजह से वो सेवा का रूप बदल गया। सेवा वही है, सिस्टम थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, बदल गया मतलब। अब वो सब बातें जो नेगेटिव हैं कि वो पैसे जोड़ लिए, फलाना कर लिया, ये हो गया, चीजें दी नहीं, ये जो करप्शन है बीच में वो करप्शन जब हमें दिखती है तो हमारा मन दुखता है, विश्वास थोड़ा तभी तो कम होता है। तो भाई ये करप्शन तो बीच में देखो रहेगी रहेगी, दोनों चीजें चलेंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरह के इंसान, हर तरह के जीव मिलेंगे। अगर हम अपने सच्चे मन से हम परमेश्वर के कोई भी कार्य में हम उसमें कर रहे हैं कंट्रीब्यूटर, तो वो आपने दे दिया, वो सामने वाले के ऊपर ओनस आ जाएगा। अब भगवान कहेंगे भैया तूने मेरे नाम पे लिए लाख रुपया, तूने खर्चा 25,000, बाकी कहाँ लिया साहब, तब देखा कह दर्द। हाँ, आपको लग गया पता कि ये बंदा ऐसा करता है तो आप बिछड़ जाओ, उसको समझ आ जाएगी, हमारी समझ होनी चाहिए, वो आपकी विवेक है, बुद्धि है, आपको अखा खोल के काम करना चाहिए। सामने वाला की सब जगह बुद्धि दिमाग नहीं खोलना होता, कई जगह चुप भी रहना होता है, कई जगह प्रसन्नता से खुशी से। अगर आप दिमाग ही खोलोगे फिर दिल खत्म हो जाएगा, ये मैं बोलने वाली थी, फिर प्रॉब्लम हो रहा है। दिमाग खोल दिया तो दिमाग दिल बंद हो जाएगा, दिल बंद हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर एक खाली विधि विधि किंकर हो जाओगे आप। ये बड़ी इसलिए दिल से करते जाओ, ईश्वर जानते हैं रिजल्ट किसने देना है, परमेश्वर ने देना है, तो परमेश्वर पे विश्वास रखो। प्रमाण मत मांगो, प्रूफ मत मांगो। आपने हम प्रूफ मांग रहे हैं कि मैंने 50,000 का अनुदान किया, मुझे 50,000 का अनुदान स्वीकार हो गया, जो मर्जी करे। आप प्रूफ मांग रहे हो ना कि मैंने 50,000 का अनुदान के ले दिया, 50,000 का अनुदान की रसीद दो जी मेरे को भगवान जी, कि मेरा अनुदान में स्वीकार हुआ है। अब कहते हैं परमेश्वर कहते हैं मैं खुद प्रमाण नहीं दे अपने आप दे सकता, तो तुम्हारे कहां दान की क्रियाओं के प्रमाण सर्टिफिकेट कहां से भेजो? जब दान दे दिया सत्ता आपने छोड़ दी संकल्प करके, तो फिर हमारा कुछ बनता नहीं। वो सब चीजें होनी चाहिए, इंसान ने अपना थोड़ा दिमाग भी दिया, थोड़ा दिल है, थोड़ा बैलेंस करके चलो, पर क्रियाएं करते रहना, सेवा वही है जो क्रियाएं करते। हाँ, मेन वही है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। परमेश्वर सेवियो जीव सेवक, ठीक है जी। अब वहां पे क्या क्या है, चित्त वित्त काया ये तीनी परमेश्वर से अर्पावी, तो आपके पास जो जो है वो अर्पण करते जाओ, सेवा करते जाओ, ठीक है। मैं भी सेवा ही कर रहा हूँ, ये सेवा ही है सारी, बैठे बैठे यहाँ पे, ये महाराज ने प्रेम के उपाय में सब बताया हुआ, आर्ता प्रति बुलावे, ये वो, तो ये सब चीजें जो हम मिलजुल कर एक दूसरे की ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की कुछ। हाँ, सब उंगलियां बराबर नहीं होती, सब जीव कम ज्यादा होते हैं, पर ईश्वर को चक्र स्वामी को सब चलते हैं। मजेदार बात ये है, चक्कर तो स्वामी महाराज को सारे चलते हैं, जो हम पढ़ेंगे चक्कर स्वामी महाराज को तब बताएंगे आपको, उनको सब तरह के जीव चलते हैं, सब चलते हैं चक्कर तो स्वामी को,
बुड्ढे ठंडे जवान बुड्ढे नाम तारक नायक नाम सब सब चलते उनको सब सब कर लेते हैं ठीक अपने आप। हाँ चक्कर स्वामी सब कर लेते हैं ठीक अपने आप। हाँ उनकी एक मजेदार कहानी है, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, कहते तू आता सही एक बार, बाकी मैं अपने ठीक ठुक तो थोड़ी थोड़ी मार के क्रिया क्रिया करा के सेवा दास करा के कर लेंगे। वो टेक्निक्स उनको सारी आती हैं चक्कर स्वामी जी को। हाँ ठीक है, ये हो गया परमेश्वर सेवो। तो हमने सेवक का भाव अपने अंदर लाना है, व्यापारी वाला भाव नहीं लाना, व्यापारी वाला भाव लेन देन वाला नहीं लाना, फिर तो काम हो जाएगा हमारा। ये सूत्र स्पष्ट कहता है सेवक बनो सेवक बनो, इस काम से काम छोड़ दो आप, वो कहानी से ऊपर उठ जाओ आप, ऊपर उठ जाओ आप। ये गृहस्थी सकाम निष्काम वाली कहानी ज्ञानियों वाली है, हो बा बस जय श्री जी 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 हो बा श्री चक्रधर स्वामी की। वीडियो नंबर 4 यहाँ खत्म होती है। परमेश्वर सेवे और जीव सेवक।